हम जो बीमार होते हैं, हमें किसी किस्म की जो तकलीफ आती है, जो हम पर कोई मुसीबत आती है नफ्स पर, यानी चाहे वो नफ्सियाती तकलीफ हो, जो रूहानी हो, कोई जिस्मानी हो, जहनी हो, किसी भी किस्म की कोई कर्ब और बेचैनी और एंजाइटी और डिप्रेशन और कोई भी चीज जो इंसान के ऊपर वारिद होता है, या किसी चीज के खो जाने से इंसान को जो तकलीफ और परेशानी आती है, या अपने किसी प्यारे के ऊपर जो दुख तकलीफ आता है उसकी वजह से जो तकलीफ लाहक होती है, या फिर ये कि इंसान कहीं से गिर जाता है या कोई चोट लग जाती है या फिसल जाता है या किसी वबा का शिकार हो जाता है, या इंसान के जिस्म में किसी किस्म का कोई इस्तराब, हत्ता के कोई खारिश होती है, या फिर किसी तरह की कोई चुभन सी हो जाती है या कोई पेन शुरू हो जाती है, कोई भी चीज जो हमारे जिस्म में होती है ये अल्लाह के इल्म में होती है और अल्लाह के इज़्ज़न से होती है। और अल्लाह ताला की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि किस इंसान को किस वक्त क्या लाहिक होगा, और फिर अल्लाह ताला को ये भी पता है कि वो उस वक्त किस तरह रिएक्ट करेगा। और ये जो रिएक्शन हो जाता है फिर ये हमारे अमाल नामे में लिख लिया जाता है और फिर इसके मुताबिक हमें जो भी बदला होगा वो दिया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों होता है? आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, कि इंसान करता क्या है। यानी अगर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें, बाज़ुकत होता है ना कि किसी पेट को आप देखते हैं या कोई कीड़ा मकोड़ा देखते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैं इसकी तरफ ये चीज फेंकती हूँ या मैं इसको छेड़ती हूँ तो ये करता क्या है, तो फिर आप कहते हैं ये इधर जाएगा, ये यूं करेगा, यूं करेगा, तो आप उसको देख देख के एक तरह से बाज़ुकत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम सब इसी तरह कीड़े मकौड़ों की तरह जमीन पर जो भी अच्छे बुरे एक्शन कर रहे हैं ना, वो अल्लाह सुभान व तआला की नजर में है। किसी हमारे एक्शन पे अल्लाह ताला खुश होते हैं और किसी हमारे एक्शन पे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, लेकिन बहरहाल वो सब कुछ उसके इल्म में, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फरिश्ते भी मुकर्रर कर रखे हैं, वो इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर एक निगरान नहीं खड़ा, वो देख रहा है कि ये करता क्या है इंसान। और फिर किरामन कातिबीन लिखे चले जा रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं। तो यहाँ पर फरमाया इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, वो एक किताब में लिखा हुआ है इससे पहले कि हम उसको पैदा करें। हा का मतलब मुसीबत है, यानी नब्रअहा उस तकलीफ को पैदा करें। और एक कौल ये है कि ये जमीन की तरफ जा रही है बात, या नफ्स की तरफ, कि जमीन को पैदा करने से पहले या उस इंसानी जान को पैदा करने से पहले। यानी कुरान मजीद की ये बलागत है और एक खूबसूरती है कि उसके अंदर इतनी वसत आ जाती है, एक ही जमीर है और उसमें इंसान की सोच की जहत खुलती है कि हा की जमीर नफ्स की तरफ लौट रही है, हा की जमीर अर्द, ये सब मुअन्नस है, और हा की जमीर मुसीबत की तरफ जा रही है। यानी इससे पहले कि मुसीबत आए, इससे पहले कि जमीन पैदा हो, इससे पहले कि इंसान पैदा हो, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यानी खैर और शर सब कुछ लौहे महफूज में महफूज है। और ये तकदीर जो है ये अल्लाह का अजली इल्म है और अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म के एतबार से इहाता कर रखा है, कोई चीज भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا। अब आप जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप अल्लाह ताला से अपनी हालत का वास्ता दे के भी दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह तुझे तो पहले से ही पता है कि मेरे ऊपर क्या आना है, और तुझे तो पहले से ही पता है कि मैं कितनी कमजोर हूँ, और तू मेरे हाल को जानता है और तू मेरी तकलीफ को जानता है, तू मुझ पर रहम फरमा। यानी अल्लाह ताला से इंसान इस तरीके से भी दुआ कर सकता है, यानी अल्लाह ताला की सिफत इल्म का वास्ता देकर, क्योंकि कुरान मजीद में आता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, तो हमें अल्लाह ताला की अस्माओ सिफात का वास्ता और वसीला देकर भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जैसे अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, बस अल्लाह ताला की रहमत की बात कर दी, अल्लाह ताला की इस सिफत की बात कर दी कि आप तो बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं। यानी मतलब क्या है, अगर किसी को कहा जाए आप तो बहुत सखी हैं, तो इसका क्या मतलब है कहने का, ये तारीफ कोई क्यों कर रहा है किसी की, ताकि वो अपनी सखावत का इजहार करे। तो इसी तरह अल्लाह ताला की सिफत रहमत का जब जिक्र करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप तो इसके मालिक हैं और आप कर सकते हैं। तो ये चीज अगर इंसान अल्लाह ताला के बारे में सोचे, को हर चीज को जानता है, हर चीज को, वह अंत अल्लामुल गयूब, मैं नहीं जानता तू जानता, और तू अल्लामुल गयूब है। कयामत तक जो कुछ होने वाला है, जब से पैदा हुआ जब तक खत्म होगा, सब कुछ उसके इल्म में। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु
फी इमाम मुबीन, एक वाज़े किताब में, एक खुले रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा हुआ है। और हदीस से पता चलता है कि आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीर लिखी गई। अब आप सोचिए, जब आप तकदीर पर ईमान लाते हैं, और तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज की एक हकीकत होती है, और कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुँच सकता जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि उसे जो चीज पहुंची है वो उससे खता नहीं हो सकती थी, और जो चीज खता हो गई है उससे वो उसे पहुंच नहीं सकती थी। अब ये जो हमारा ईमान है, इसके बिना पर अगर आपको कोई तकलीफ आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई चीज छू जाती है, लग जाती, टकरा जाती है, कुछ हो जाता है, तो बजाय गुस्से में आने के, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने के, आपके चेहरे पर स्माइल भी आ सकती, ये तो होना था, ये लिखा हुआ, ये अपने वक्त पे पहुंच गया मुझ तक, अब अल्लाह ही इसको दूर करने वाला है। जिसके इज़न से ये तकलीफ आई है उसी के इज़न से शिफा होगी, जिसके इज़न से ये मुश्किल में मैं मुब्तला हूँ वही इसको इयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच जाती है तो उसको अल्लाह के सिवा कोई भी दूर नहीं कर सकता, फला काशिफा लहु इल्ला हु, ये यकीन होना चाहिए पूरा। जितना ज्यादा ये यकीन होगा कि फला काशिफा लहु इल्ला हु, कि अल्लाह ही इस तकलीफ को दूर करने वाला है, इसको खोलने वाला है, तो उतना ही ज्यादा हम अल्लाह सुबहानु ताला की तरफ रुजू करेंगे, उतने यकीन के साथ उसी की तरफ लौटेंगे, उसी के दर पे जाएंगे, उसी के आगे सर झुकाएंगे, उसी को पुकारेंगे, उसी के आगे हाथ फैलाएंगे, उसी को मुख्तलिफ चीजों का वास्ता वसीला देंगे जो मशरू है या जिसकी इजाजत है हमें, तो इस तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर फरमाए इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, हमें लगता है कितना मुश्किल काम होगा, ये कितना बड़ा काम है ये सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं, सुभान अल्लाह, यानी उसकी कुदरत इससे भी कहीं ज्यादा कि वो इन सब चीजों का इल्म रखे। और हमें क्यों बताया जा रहा है, लिकैला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम खो जाने वाली चीज पे अफसोस ना करते रहो, तुमसे गम दूर करने के लिए। और एक हकीकत है कि अगर इंसान तकदीर के मामले को और इस बात को समझ जाए कि ये किसी वजह से आई है तकलीफ मुझ पर, अल्लाह ताला या तो मुझे रेस्ट करवाना चाहता है, या मुझे कुछ सिखाना चाहता है, या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है कि जो मुझे इल्म नहीं, क्योंकि उसका कोई भी फैसला हिकमत से खाली नहीं, ये भी साथ ही याद रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध बस किसी को सजा दे रहा है और किसी को कुछ जजा दे रहा है और किसी को फायदा और किसी को, ऐसा नहीं, हर तकलीफ के पीछे एक हिकमत, कोई वजह है, उसने आपको कोई स्पेशल चाइल्ड दिया है, कोई हिकमत है इसके पीछे, कोई वजह है कि उसने आपको इस काम के लिए चुना है। इसी तरह अगर कोई औलाद की तरफ से या वालदैन की तरफ से, किसी प्यारे की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो इसमें कोई हिकमत है। तो अगर इंसान ईमान ले आए तकदीर पर तो फिर गम हल्का हो जाता है। वजह बता दी गई कि लिकैला तअसौ, ताकि तुम अफसोस न करते रहो, गमगीन न रहो, अला मा फातकुम, जो तुमसे फौत हो गया, यानी जो तुमसे चला गया, तुम्हारी सेहत चली गई, तुम्हारी जवानी चली गई, तुम्हारी हिम्मत चली गई, तुमसे काम का चांस चला गया, अल्लाह को यही मंजूर, आगे मूव फॉरवर्ड, आगे चलो, आगे चलो, जो खोना था हो गया, अब उसके पीछे जान हलकान न करो, जो होना था हो गया, अब अपनी जिंदगी को आगे ले जाओ, आगे की तरफ देखो, अच्छी उम्मीद रखो और हौसले में रहो, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि इंसान हमेशा आफियत में नहीं रह सकता, हमेशा खुशहाली में नहीं रह सकता, हमेशा रिस्क की फरावानी में नहीं रह सकता, ये कमी बेशी होगी, और जब हो तो इंसान अगर सिर्फ इतनी बात सोच ले के लिखा हुआ था, ये तो होना था, मक्तूब लिखा हुआ था, और अल्लाह ने क्यों लिखा, फिर इंसान अल्लाह से बहस नहीं करता, अल्लाह के इल्म और अल्लाह की कुदरत को चैलेंज नहीं करता, बल्कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता है। आप देखें कि अल्लाह सुबहानु ताला पर एतराज करना किसका काम था, जानते हैं ना हम, ये शैतान का काम था, तो फिर हम कितने मजे से मुख्तलिफ चीजों पर एतराज शुरू कर देते हैं, वाज़े तौर पर शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं, वाज़े वाज़े क्लियर कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाय मी, ये क्यों ऐसा किया, ये आप याद रखे कि ये क्या है, ये दरअसल शैतान के कदमों पर चलना है, उसकी पैरवी करना है, उसके पीछे जाना है। और फिर दूसरा रवैया जो शैतानी रवैया होता है, अना खैरु मिन्हु, वो क्या है, तकब्बुर वाला, और ये तकब्बुर वाला रवैया ये भी अल्लाह को नापसंद, ये दोनों शैतानी रवैया अल्लाह को नापसंद है। वला तफरहु बिमा आताकुम,
उस पे मत खुश हो, मत इतराओ, मत अकड़ो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। यानी अपनी किसी भी स्किल पर, अपनी किसी जहानत पर, अपनी किसी काबिलियत पर, अपने किसी कारनामे पर, अपनी किसी कामयाबी पर। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, यानी जरा से दूसरों से कोई बेहतर काम कर लेते हैं तो फिर हम दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं। मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा पकाना आता है, मुझे ज्यादा अच्छा पढ़ाना आता है, मुझे ज्यादा अच्छा फलां काम आता है। यानी कोई भी जो काम अपनी चाहे काबिलियत हो, या मेरे पास ये ज्यादा अच्छा है, मेरे बच्चे ज्यादा खूबसूरत हैं, मेरे बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरा घर ज्यादा अच्छा है, मेरा ये। यानी इंसान को जितनी भी नेमतें मिली हैं, फिर इंसान उन पर इतराए नहीं, फखर नहीं करे। और इतराना क्या होता है और तकब्बुर क्या होता है? दूसरों को हकीर समझना। अपनी खुशी का इजहार मना नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने दिया। अगर अल्लाह ने दिया, अच्छा लिबास आपने पहना है, अच्छा घर बनाया है आपने, अच्छी गाड़ी खरीदी है आपने, कोई हर्ज नहीं। कल भी हमने हदीस पढ़ी थी कि एक नेक इंसान के लिए माल जो है वो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा और उन नेमतों में दूसरों को शरीक करता रहेगा, उन नेमतों को पाकर खैर और भलाई के काम करेगा। इंसान याद रखे कि इस दुनिया में इंसान को नेमतें भी मिलेंगी और तकलीफ भी आएगी, लेकिन हर हाल में मतलूब और मकसूद क्या है कि इंसान अल्लाह का बंदा बनकर रहे। इकरमा इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि वो अल्लाह के फरमान इसी आयत के बारे में कहते हैं कि हर शख्स गमगीन होता है और खुश होता है, लेकिन मोमिन अपनी मुसीबत पर सब्र करता है और खुशहाली पर शुक्र करता है। इस आयत में एक बात याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं कि अगर हर चीज लिखी हुई है तो इंसान कोशिश न करे। नहीं, कोशिश भी करना अल्लाह के इज़्ज़त से है और अल्लाह का हुक्म है और हमें उस पर उभारा गया है। वह अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि तुम्हें कोशिश करना, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना आगे क्या लिखा हुआ है, हमें नहीं पता। तो हमें जो नेमतें मिली हैं और जो वसाइल मिले हैं और जो जिस्मानी कुव्वत मिली है, उसके साथ इस दुनिया में रहते हुए अहरे सलामा यनफा, जो चीजें फायदा देती हैं उनकी हिर्स करे। इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे, इंसान अपने लिए वो तमाम वसाइल इख्तियार करे, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे ब्रीदिंग है, चाहे हेल्दी डाइट है, या जो भी, या फिर अगर बीमार होता है तो इलाज करता है। तो ये इंसान के पार्ट पर है और उसको करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें करते रहने के बावजूद भी उलट हो जाती हैं, तो वो फिर इंसान को ये याद रहे उस वक्त कि ये होना था, क्योंकि इंसान उस वक्त ज्यादा पछतावे का शिकार होता है। मैं तो इतनी ज्यादा केयरफुल हूँ अपने डाइट के बारे में, मैंने तो कभी शुगर इस्तेमाल नहीं की, तो ये मुझे ये बीमारी कहाँ से आ गई, और ये नहीं, ये लिखा था, इसकी हिकमत अल्लाह को पता है कि उसने आप ये बीमारी क्यों भेजी और इसके जरिए आपको क्या सिखाना था, या इसके जरिए आपके कितने दर्जात बुलंद करने थे, तो ये अल्लाह ताला को पता है। हमें क्या करना है, एहतियात भी बरतनी है बीमारी से बचने के लिए, और अगर आ जाए तो इलाज भी करना है, असबाब इख्तियार करने हैं, लेकिन उस सारे आजमाइश के अरसे में अल्लाह से राजी रहना है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता जो अपने अमल में गुरूर करे और अपने कौल में फखरिया जबान इस्तेमाल करे, फखर करे। यानी अमल में ऐसा लिबास पहने जो घसीट घसीट के चले, या ऐसी चाल चले, और फिर ये कि बातों में ऐसी ऐसी बातें करे कि जो दूसरों को हर्ट करने वाली हों, शेखी बिगाड़ने वाली हों। तो बेसब्रा करने वाला गम और सरकश करने वाली खुशी जो है, इन दोनों की ममानियत की गई है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास जब ज्यादा माल लाया गया, आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फतुहात का सिलसिला शुरू हो गया था, बहुत सी जगहों से गनाइम वगैरह आ रहे थे, हजरत अबू बकर के जमाने में और ज्यादा बढ़ गया, हालांकि सिर्फ 2 साल ही थे। तो जब ज्यादा माल आया आपके पास तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हम ताकत नहीं रखते मगर ये कि हम इस बात पर खुश हों जो तूने हमारे लिए मुजयन किया। यानी हमें माल अच्छा लगता है, कोई चीज मिलती है तो हमें खुशी होती है। तो अब यह है कि क्या वो कोई बुरी चीज थी, यानी जिसका वो जिक्र करे? नहीं, वो इस बात का जिक्र करे कि आला ये हमारे अंदर आपने रख दिया है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए वल बनीन वल क़नातीर अल मुक़न्नसा, ये माल की मोहब्बत हमारे अंदर रख दी गई और हमें इससे खुशी भी होती है। तो मतलब यह है कि इससे मुराद वो खुशी है, इस तरह खुश होना मना है कि जो इंसान को तकब्बुर और सरकशी की तरफ ले जाए, वरना माल के मिलने पर, नेमत के मिलने पर, अपनी पसंद की चीज मिलने पर इंसान को कभी भी गमगीन नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। और ये खुशी करना कोई बुरी बात नहीं है, यानी खुशी के मौके पर खुश होना
इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर वक्त बस एक ऐसी हालत में रहते हैं कि ना किसी खुशी के मौके पर खुश होते हैं, ना किसी काम के मौके पर गमगीन होते हैं कि हम नेक पारसा नहीं। कर खुशी की कोई चीज है, कोई नेमत मिली, खुशी का इजहार करे, अम्मा बिनेमत रब्बी का फहदिस, बस लिमिट के अंदर, उससे ऊपर नहीं जाना कि तकबर शेखी बिगाड़ना शुरू हो जाए या आप दूसरों को नीचा करना शुरू कर दें, ये नहीं होना चाहिए।